अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग घर पर सब सेफ होंगे। हम आपको केजी क्लास की कहानी पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बंदर और टोपी वाला। एक दिन एक टोपी बेचने वाला लंबे सफर की वजह से थककर एक सायदार दरख्त के नीचे आराम करने लगा। थकान की वजह से उसे नींद आ गई। आदमी को सोता देखकर दरख्त से बंदर उतरे और टोपियों के गट्ठे से टोपियां निकालकर पहन ली और दरख्त पर जा बैठे और खुशी से चीखने लगे। बंदरों की आवाज से टोपी वाले की आंख खुल गई तो उसने देखा कि गट्ठे में चंद ही टोपियां रह गई है। तब टोपी वाला बहुत परेशान हो गया और परेशानी की वजह से उसने अपने सर की टोपी उतार कर गट्ठे पर रख दी। उसके बाद टोपी वाले को एक तरकीब सूझी, क्यों ना मैं कपड़ा बिछाकर उस पर अपनी टोपी फेंकूं। उसने ऐसा ही किया और टोपे वाले को देखकर सब बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। अब आप लोग दोहराइए, बंदर और टोपी वाला। बंदर और टोपी वाला। एक दिन एक टोपी बेचने वाला लंबे सफर की वजह से थक कर एक सायदा दरख्त के नीचे आराम करने लगा। थकान की वजह से उसे नींद आ गई। आदमी को सोता देखकर दरख्त से बंदर उतरे और टोपियों के गट्ठे से टोपियां निकालकर पहनकर दरख्त पर जा बैठे और खुशी से चीखने लगे। बंदरों की आवाज से टोपी वाले की आंख खुल गई तो उसने देखा कि गट्ठे में चंद ही टोपियां रह गई हैं। तब टोपी वाला बहुत परेशान हो गया और परेशानी की वजह से उसने अपने सर की टोपी उतारकर गट्ठे पर रख दी। उसके बाद टोपी वाले को एक तरकीब सूझी, क्यों ना मैं कपड़ा बिछाकर उस पर अपनी टोपी फेंकूं। उसने ऐसा ही किया और टोपी वाले को देखकर सब बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो हाजिर दिमाग से काम लेना चाहिए। केजी क्लास के आपको जो कहानी याद करवाई गई है उसको घर पर अच्छे से याद करिए। शुक्रिया।